Good morning students. Today we are going to start chapter number six: algebraic expression. So, first of all, what is algebraic expression? A combination of constant and variables connected by some or all of the four fundamental operations: addition, subtraction, multiplication, and division is called an algebraic expression. As a co bhi कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जिसमें आपके ये जो फंडामेंटल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे हों या इनमें से कुछ हों तो वो क्या कहलाता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है अब कॉन्स्टेंट क्या होते हैं सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स वैल्यू होती है वो क्या कहलाते हैं कांस्टेंट कहलाते हैं और जिनकी वैल्यू वेरी करती है वो क्या कहलाते हैं वेरिएबल कहलाते हैं न टाइप्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट इज मोनोमियल मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक सिंगल टर्म होगी एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म तो ऐसे एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे मोनोमियल्स जैसे यहाँ फाइव एक्स सिंगल टर्म है टू एक्स वाई सिंगल टर्म है माइनस थ्री स्क्वायर बी सिंगल टर्म है माइनस सेवन सिंगल टर्म है इस तरीके के ये एग्जाम्पल है आपके के एक्सप्रेशन सेविंग टू टर्म्स बायनोमेल जिसमें टू टर्म्स होंगी जैसे टू ए प्लस थ्री बी यह आपका बायनोमियल है एट माइनस थ्री एक्स ये आपका बायनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर ये बायनोमियल है फर्स्ट टर्म ही है और सेकेंड टर्म ही है नाउ थ्री टर्मस होंगी जैसे देखिए ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी टू थ्री थ्री टर्मस है तो ऐसे एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे ट्राइनोमियस नाउ क्वार्रोनोम एक्सप्रेशन कंटेनिंग फोर टर्म्स इसको क्वार्रोनोमल जिनमें आपकी फोर टर्म्स होंगे वो क्वार्रीनोमियल कहलाएंगे जैसे वन टू थ्री फोर इसमें फोर टर्म्स हैं वन टू थ्री फोर इसमें फोर टर्म्स तो ये सारे क्या हैं कॉड्रीनोमिल ना पोलिनोम एंड एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा देखिए तो है, इसका है, इसमें सिर्फ दो ही टर्म होंगी ट्राइनोमियल में सिर्फ तीन होंगी ये सारे पॉलिनोमियल में आते हैं क्योंकि हमारी पोलिनोम की डेफिनेशन क्या है दो या दो से ज्यादा टर्म्स हों तो वो क्या कहलाता है पोलिनोमियल कहलाता है एक्सरसाइज एक्सरसाइज सिक्स है वी हैव टू एड एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें इन एक्सप्रेशन को एड करना है फाइव एक्स कॉमा सेवन एक्स माइनस सिक्स एक्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बहुत सिंपल है इनको एड करना जैसे हम सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू एड करते हैं फाइव और सेवन इसी तरीके से आपको इनको एड करना है बस आपको लाइव like टर्म्स एक साथ रखनी है लाइक like टर्म्स क्या होती है जिनके पीछे के कोफिशियंट सेम होंगे कोफिशियंट ये वेरिएबल जो पीछे लगे एक्स वाई जेड ये जो है ये कोफिशियंट कहलाते हैं अगर ये सेम है तो आप इतने प्लस माइनस कर सकते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या क्या ऐड करना है फाइव एक्स कॉमा सेवन एक्स माइनस सिक्स एक्स इन सबको हमें ऐड करना है और यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो हमें ऐड करना है तो कॉमा रिप्लेस होगा और एडिशन आएगा प्लस इसको ऐड करना है ये ऑलरेडी माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक साथ दो सिंबल नहीं आते तो ब्रैकेट का यूज करते हैं यहाँ ये यह दोनों इजीली ऐड हो रहे हैं सेवन और फाइव देखो इसके पीछे भी एक्स है इसके पीछे भी एक्स ये ऐड हो सकते हैं सेवन और फाइव ट्वेल्व एक्स प्लस माइनस माइनस का सिक्स एक्स ठीक है अब ट्वेल्व में से सिक्स जाएगा कितना बचेगा सिक्स और दोनों के पीछे एक्स है तो ये आ गया एक्स ही आपका आंसर है क्लियर है वन मोर क्वेश्चन हम सोल्विंग थ्री बाई फाइव एक्स कॉमा टू बाई थ्री एक्स कॉमा माइनस के फोर बाई फाइव एक्स हमें इन्हें ऐड करना है तो सबसे पहले इस थ्री बाई एक्स को हम थ्री एक्स लिख सकते हैं थ्री एक्स कॉमा रिप्लेस होकर प्लस आएगा टू एक्स बाय थ्री कॉमा रिप्लेस होगा प्लस आएगा और यहाँ फिर से ये डिजिट माइनस की है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे थ्री एक्स बाई फाइव प्लस टू एक्स बाई थ्री प्लस माइनस माइनस फोर एक्स बाई फाइव अब ये हमारा फ्रैक्शन जैसा बन गया है जहाँ फ्रैक्शन हमने सॉल्व किया जिसमें क्या होता है आपको एलसीएम लेना है फाइव और थ्री और फाइव का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा फिफ्टीन आप लेके देखेंगे रफ में फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो थ्री थ्री जा नाइन एक्स प्लस थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो टू फाइव जा टेन एक्स माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स अब ये दोनों प्लस के हैं, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का ये दोनों एड हो जाएंगे टेन और नाइन नाइनटीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स और अपॉन में फिफ्टीन चल रहा है ठीक है यहाँ पे देखिए इसके पीछे भी एक्स है इसके पीछे भी एक्स है लाइक टर्म्स आपको देखना उसके बाद ही आप करेंगे तो ये आपका नाइनटीन एक्स में से ट्वेल्व एक्स जाएगा कितना बचेगा सेवन एक्स बाई फिफ्टीन यही हमारा आंसर है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे जैसे इसका फिफ्थ पार्ट सब एक हैं ओवरऑल यहाँ पर फिफ्थ पार्ट देखकर आप देखेंगे कितने एक्सप्रेस इसमें जो एक्सप्रेशन है उसमें कितनी टर्म्स है तो एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड कॉमा वाई माइनस टू एक्स माइनस एट जेड कॉमा फाइव एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड ये जो कॉमा लगा होता है ये पूरा एक एक्सप्रेशन होता है तो इसे एक एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स है 1, 2, 3. तो ये ट्राइनोमियल है ये ट्राइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है तो हमें इसे ऐड करना है एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड कॉमा रिप्लेस होगा प्लस आएगा अगेन वाई माइनस टू एक्स माइनस एट जेड कॉमा रिप्लेस होगा प्लस आएगा और फाइव एक्स माइनस टू बाई माइनस थ्री जेड अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स माइनस थ्री बाई प्लस फोर जेड प्लस वाई माइनस टू एक्स माइनस जेड क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है इसलिए ये सब एज इट इज आ जाते हैं चेंज नहीं होते हैं अगर माइनस का साइन होता है तो ये चेंज होते हैं ठीक है थीके? अब लाइट टर्म्स एक जैसी एक साथ रख लीजिए देखिए एक्स ये है मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस के लिए अंडरलाइन कर रही हूं जब आप सॉल्व करेंगे तो अंडरलाइन नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी तो पेंसिल से करके इरेज कर देंगे यहां पर एक्स वाली टर्म देखिए ये है ये है और ये है इनको एक साथ रख लेंगे ये प्लस की है और ये माइनस की है और ये प्लस की है दिख कैसे रहा है प्लस माइनस इनके आगे जो सिंबल लगे ठीक है प्लस अब वाई वाली टर्म देखिए एक ये है एक ये है और एक ये है इसको एक साथ रख लेंगे ये माइनस की है तो माइनस थ्री वाई ये वाली प्लस की है प्लस वाई और ये माइनस की है तो माइनस का टू वाई प्लस जेड वाली टर्म एक साथ रखेंगे तो एक ये है फोर जेड दूसरी ये है माइनस एट जेड और ये थर्ड है माइनस थ्री जेड यहां पर देखिए ये प्लस है और ये प्लस है तो फाइव और वन सिक्स सबके पीछे एक्स सेम है तो इसमें प्लस माइनस हो सकता है फाइव और वन सिक्स सिक्स में से टू गया फोर तो ये क्या आ जाएगा फोर एक्स अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा ये अंदर देखकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस का थ्री वाई है ये माइनस का टू वाई है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और साइन माइनस का ही आता है तो थ्री और टू फाइव वाई माइनस के फाइव वाई में से प्लस का वाई जाएगा यानी कि माइनस के फाइव में से प्लस का बन जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का फोर और इनके पीछे y है तो ये आ गया यहाँ पर भी ये साइन डिपेंड करता है कौन सा आएगा अंदर सॉल्व करने पर ये देखो दोनों माइनस के हैं एट और थ्री कितना हो गया इलेवन और ये प्लस का है इलेवन में से फोर जाएगा क्या बचेगा सेवन प्लस का या माइनस का ऑब्वियसली माइनस का है, क्योंकि माइनस का इलेवन आ रहा था माइनस का सेवन सेड ये हमारा आंसर इस तरीके से क्लियर है तो इन द सेम वे हम इसी तरीके से ऐड करेंगे यहाँ पर जैसे ये ऐड करेंगे आप तो ये कॉमा रिप्लेस करेंगे प्लस आएगा यहाँ कॉमा रिप्लेस करेंगे प्लस आएगा और क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन हैं तो ये फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले की तरह आप ऐड या ट्रैक्ट करेंगे जो भी लाइक टर्म्स बनेंगी जैसे एक्स वाली लाइक टर्म्स बन रही हैं तो उनको हम एक साथ रखेंगे सॉरी इसमें तो ए है ए वाली लाइक टर्म्स बन रही है तो उनको एक साथ रखेंगे बी वाली एक साथ और सी वाली एक साथ और फिर उनको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखा दे रही हूँ जैसे इस तरह से आप ऐड करेंगे ये यहां तक कि हमारी एक टर्म है ठीक है कॉमा रिप्लेस होगा प्लस आएगा यहाँ पे कॉमा रिप्लेस होगा प्लस आएगा अब हमने क्या किया ए वाली टर्म एक साथ ले ली एक ये टू ए बाई थ्री एक ये है माइनस थ्री ए बाई फोर सिम्बल के साथ लेंगे ठीक है एक ये है प्लस फाइव ए बाई टू इसके बाद प्लस बी वाली टर्म ले, ले लेंगे सिंबल के साथ लेनी है माइनस फोर बी बाई फाइव माइनस फाइव बी बाई टू और प्लस सेवन बी बाई फोर और सी वाली टर्म लेंगे प्लस बाहर आएगा

प्लस टू सी बाई थ्री एंड माइनस फाइव सी बाई सिक्स अब क्योंकि ये फ्रैक्शन हो रहे हैं तो फ्रैक्शन को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है एलसीएम लेने के बाद तो यहां पर थ्री फोर टू का एलसीएम लेंगे वो ट्वेल्व आएगा यहाँ फाइव टू फोर का एलसीएम लेंगे वो ट्वेंटी आएगा यहाँ फाइव थ्री सिक्स का एलसीएम लेंगे थर्टी आएगा और फिर हम इसे एज इट इज फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे थ्री फोर जो ट्वेल्व तो टू फोर जी एट फोर थ्री ट्वेल्व तो थ्री थ्री जा नाइन टू सिक्स ट्वेल्व तो फाइव सिक्स जो थर्टी सेम वे में ये करेंगे और उसके बाद ये दोनों देखिए प्लस हो रहे हैं ये दोनों प्लस होके इसमें से माइनस हो जाएगा ऐसे ही यहाँ पर माइनस माइनस वाले प्लस होते हैं ठीक है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया माइनस 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 वाले प्लस होते हैं लेकिन साइन जो है है वो का ही रहता है। तो 50 और 16 ऐड होंगे ये 66 बन जाएगा माइनस का 66 में से प्लस का 35 जाएगा तो ग्रेटर डिजिट जो होती है उसका साइन आता है तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू देखिए सब्रेक्ट करना है हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट माइनस एट एक्स वाई फ्रॉम सेवन एक्स वाई फ्रॉम वाली टर्म में से हमें सब्टैक्ट करना होता है ये हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं तो यहां पर अगर आपको सब्टेक्ट करना है क्वेश्चन है माइनस एट एक्स वाई फ्रॉम सेवन एक्स वाई तो फ्रॉम वाली टर्म को आगे लिखते हैं क्योंकि इसमें से सब्रैक्ट करना है सब करना है तो माइनस का साइन आएगा और जिस साइन के साथ ये डिजिट होती है वो एज इट इज नोट कर लेते हैं ठीक है सेवन एक्स वाई माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये हो गया एट एक्स वाई देखो दोनों के पीछे एक्स वाई है यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं सेवन और एट फिफ्टीन एक्स वाई अब आप सोचेंगे हेडिंग तो थी कि सेपरेट करना और हमने यहाँ पर ऐड किया ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये वाली डिजिट माइनस की है अगर ये माइनस की नहीं होती तो ये सबट्रैक्ट होते लेकिन हमें यही रूल फॉलो करना है फ्रॉम वाली टर्म आगे आती है जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में माइनस का साइन आएगा और ये जो टर्म है जिस साइन के साथ होती है वो साइन नोट करते हैं अगर ये प्लस के साथ होती तो एज इट इज लिख देते अगर ये माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखा और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन देखिए जैसे एक्स माइनस वाई फ्रॉम फोर वाई माइनस एक्स यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई फ्रॉम फोर वाई माइनस फाइव एक्स तो हमें पता है कि फ्रॉम वाली टर्म जो है वो आगे आ जाती है इसमें से सब्रेक्ट करना है सब करने वाली टर्म ये है पूरी तो इसे हम पूरा एज इट इज लिखेंगे अब ये ऐसे ही रहेगा फोर वाई माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस वाई अब लाइट टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं वाई वाली देखिए एक ये फोर वाई और एक ये प्लस फाइव वाई प्लस ये वाली कर लेते हैं ये है माइनस का फाइव एक्स और माइनस का एक्स फोर वाई और वाई दोनों के पीछे वाई है तो ये हो गया फाइव वाई और यहाँ पर कौन सा साइन आता है ये अंदर वाला ब्रैकेट बताता है माइनस के फाइव एक्स में माइनस का एक्स ऐड हो रहा है तो माइनस माइनस का होता है प्लस लेकिन साइन किसका आता है माइनस का तो ये हो गया सिक्स एक्स यही हमारा आंसर है क्लियर है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री रीड कीजिए सब्ट्रैक्ट टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी फ्रॉम इसमें से सब्रैक्ट करना जो आगे टर्म है फ्रॉम द सम ऑफ ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी फोर ए माइनस बी प्लस नाइन सी एंड माइनस टू बी प्लस थ्री माइनस ए आपको क्या करना है सबसे पहले इनका सम लेना क्योंकि इन्होंने क्या कहा इन तीनों के सम में से जो आंसर आएगा उसमें से आपको ये डर्म सब्ट्रैक्ट करनी है ठीक है ध्यान से सुन लें ये लिखा है ना फ्रॉम द सम ऑफ यहाँ पर लिखा फ्रॉम हमने बताया था फ्रॉम वाली टर्म आ गया थी फ्रॉम में से सब्ट होता है तो फ्रॉम द सम ऑफ पहले इन तीनों का सम आना है इन तीनों का जो सम आएगा जो आंसर आएगा उसमें से ये टर्म सब्ट होगी क्लियर है तो हम डायरेक्टली कर देते हैं जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है तीनों का सम फ्रॉम द सम ऑफ लिखा है ना तो यानी फ्रॉम वाली टर्म आगे आती यानी ये तीनों आगे आएंगे ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी क्योंकि सम कह रहे हैं इसलिए प्लस होगा प्लस फोर ए माइनस बी प्लस नाइन सी प्लस माइनस टू बी प्लस थ्री सी माइनस ए इसमें से ये सब होना है जो आगे टर्म है तो टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी ये फोर है क्लियर है ये पूरी टर्म एक है क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है और इसमें सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर ए वाली टर्म कलेक्ट कर लीजिए एक ये है प्लस एक ये है, फोर ए और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ये है माइनस का ए ठीक है प्लस बी वाली टर्म करते हैं एक ये थ्री बी और एक ये है माइनस का बी और एक ये है माइनस का टू बी प्लस सी वाली करते हैं माइनस का फोर सी प्लस का नाइन सी और प्लस का थ्री सी और ये एज इट इज रहेगा टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी ठीक है अब ये देखो ए में से ए ये, ये ऐसे कर सकते हैं आप ये प्लस का है ये प्लस का है तो फोर और वन फाइव ए फाइव ए में से एक ए जाएगा तो क्या बचेगा फोर ए और यहां पर देखते हैं यहाँ पर साइन अंदर वाला ब्रैकेट बताता है ये थ्री ऐसे रहने दो तो ये माइनस का टू बी है ये माइनस का, का, का थ्री बी है माइनस का टू बी और माइनस का थ्री बी मिलकर सॉरी बी मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का थ्री बी ठीक है ये माइनस का थ्री बी हो जाएगा ये प्लस का थ्री बी हो जाएगा यानी थ्री बी में से थ्री बी जाएगा क्या बचेगा जीरो ठीक है प्लस अंदर देखिए ये प्लस का नाइन सी है ये प्लस का थ्री सी है नाइन और थ्री कितना हो गया ट्वेल्व और ट्वेल्व में से फोर जाएगा कितना बचेगा एट तो एट बचेगा हमारा प्लस का तो ये है प्लस का एट सी ठीक है और ये टर्म एज इट इज है जो चल रही थी ठीक है अब फोर ए जीरो तो किसी में एड हो वही रहता है एट तो सी अब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस अब फिर से देखिए ए वाली टर्म कलेक्ट करते हैं एक ये है और एक ये है तो फोर है और एक इसकी है माइनस का टू है प्लस बी की एक ही टर्म है थ्री बी तो ऐसे ऐसे ही लिख लेंगे प्लस सी वाली टर्म देखते हैं तो एक ये है एट सी माइनस फोर सी फोर ए में से टू ए जाएगा कितना बचेगा टू ए प्लस थ्री बी ऐसे ही रहेगा और एट सी में से फोर सी जाएगा कितना बचेगा फोर सी तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्लियर है वैसे ही क्वेश्चन नंबर फोर है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंडिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंडिस अब फ्रॉम लिखा है तो इसका मतलब ये वाली टर्म आगे आनी है आपको क्या करना है पहले इन दोनों को ऐड करना है फिर इन दोनों को ऐड करना है जो इन दोनों का आंसर आएगा उसमें से इन दोनों का जो आंसर आएगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देना तो इतना लंबा काम नहीं करेंगे हम डायरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे जो टर्म फ्रॉम वाली होती है उसका मतलब ये पहले आएगी ठीक है तो फ्रॉम द सम ऑफ यानी इन दोनों का सम पहले आएगा तो हम इस तरीके से दिखा देंगे फ्रॉम द सम ऑफ 2m एम प्लस यानी ये दोनों पहले आएंगे इन दोनों का सम तो इन दोनों का सम हो रहा है तो प्लस आ गया और सब करना है किन से? इन के सम से तो माइनस इन दोनों का सम एट है माइनस सेवन एम प्लस माइनस थ्री एम माइनस फोर एम यानी शुरू के दोनों ऐड करेंगे और लास्ट के दोनों ऐड करेंगे और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे एज इट इज एम वाली टर्म कलेक्ट करेंगे एन वाली और पी स्क्वायर वाली ठीक है यहाँ से देखिए टू एम और माइनस एम एन वाली करेंगे तो आप फोर एन और माइनस एन और माइनस पी स्क्वायर वाली करेंगे तो माइनस थ्री पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर ऐसे यहाँ पर एम वाली करेंगे तो एट एम और माइनस थ्री एम एन वाली करेंगे तो माइनस सेवन एन और माइनस फोर एन और पी स्क्वायर की करेंगे तो सिक्स पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टू एम में से एम जाएगा कितना बचेगा एम फोर एन में से एन जाएगा क्या बचेगा थ्री एन ये माइनस का ये माइनस का दोनों प्लस होंगे लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का तो थ्री और वन फोर पी स्क्वायर दोनों के बीच में माइनस है एज इट इज रहेगा एट में से थ्री जाएगा 5M. 7 और 4 कितना माइनस इलेवन एन सिक्स पी में से वन पी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा फाइव पी स्क्वायर अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे ठीक है तो एम और ये किसका है माइनस का फाइव एम प्लस थ्री एन और ये किसका है प्लस का इलेवन प्लस का कैसे ये माइनस है और ये माइनस है माइनस माइनस क्या है प्लस माइनस का फोर पी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का पी स्क्वायर और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आप इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा नैक्स्ट क्वेश्चन सप्ट्रैक्ट द सम ऑफ एट है माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस नाइन एंड माइनस टेन है माइनस एट प्लस एट स्क्वायर फ्रॉम माइनस थ्री माइनस थ्री में से इन दोनों का सम सप्ट्रैक्ट करना है। तो पता है कि माइनस थ्री आगे रहेगा और इन दोनों का सम रहेगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फोर की तरह होगा ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स सिंपलीफाई हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है फाइव एक्स माइनस नाइन वाई और माइनस सेवन एक्स प्लस वाई फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइव एक्स माइनस नाइन वाई माइनस सेवन एक्स प्लस वाई आपको सिंप्लीफाई करना है यानी इनको एक जैसा लिखना है एक्स वाली टर्म एक साथ वाई वाली एक साथ तो आगे वाली ब्रैकेट एज इट इज रहेगी क्योंकि कोई साइन नहीं है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस सेवन एक्स माइनस प्लस माइनस का वाई लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए फाइव एक्स और प्लस साइन के साथ कलेक्ट करते हैं ठीक है प्लस यहाँ पर माइनस का नाइन वाई और माइनस का वाई सेवन और फाइव कितना हो गया ट्वेल्व एक्स अब यहाँ कौन सा साइन आएगा ये ब्रैकेट बताएगा माइनस नाइन वाई और माइनस वाई माइनस माइनस होता है प्लस नाइन और वन कितना हो गया टेन ये आ गया टेन वाई प्लस का या माइनस का ऑब्वियसली माइनस का क्योंकि एड तो हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहता है तो ये